चलो आलू की मदद से करते हैं नवरात्रि स्पेशल फेशियल। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको आलू का जूस निकालना है, ठीक है, छिलके सहित आपको उसका जूस निकाल लेना है। और आपको चावल का आटा लेना है, बेसन लेना है और कच्चा दूध लेना है। तो सबसे पहले आपको जो है फेस को क्लीन करना है। किस तरह से मैं आपको बताती हूँ, आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना डल लग रहा है, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स भी हैं। काफ़ी दिनों से मैंने क्लीन एंड क्लियर नहीं किया है अपने फेस को। तो सबसे पहले मैं सिर्फ पानी की मदद से वॉश कर लिया, उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे जो हेयर है ना उसको रिमूव करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप करती हैं तो ज़रूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं करती हैं तो मत करिए। ये रेज़र की मदद से मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि रेज़र से मदद से निकालते हैं तो दाढ़ी जैसे बाल आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, सॉफ्ट ही बाल आते हैं और इतने बाल नहीं आते हैं। और मैं भी कभी फेस्टिवल या कुछ घर का प्रोग्राम होता है तो ही करती हूँ। तो नवरात्रि है, क्योंकि रोज़ बाहर जाएंगे, मेकअप करेंगे, तो आपकी स्किन जो है फ्लॉलेस दिखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि इतना मेकअप भी ना करें और विदाउट एनी मेकअप भी आप अच्छे लगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बाल निकालने हैं, छोटे छोटे बाल। उसके बाद मैंने अपने फेस को पानी की मदद से वॉश कर लिया और उसके बाद मैं ले रही हूँ कच्चा दूध, ठीक है। इससे बेस्ट क्लींजर कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ी सी मलाई लेनी है और कच्चा दूध, इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से पूरे फेस पे, नेक पे और कान पे मसाज कर लेनी है। कान को पड़ोसी की तरह भूल नहीं जाना है, वरना आपका फेस और कान का कलर अलग लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से मसाज करने के बाद एक कॉटन, साफ कॉटन, ठीक है, उसकी मदद से आपको पूरे फेस पे से और नेक में से जो भी आपकी गंदगी है उसको निकाल लेना है। क्योंकि कभी भी हम कुछ भी रेमेडी करते हैं ना, तो आपका फेस क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। जितना क्लीन फेस होगा ना, उतनी रेमेडी बहुत अच्छी काम करेगी। और साथ ही साथ आपको आपकी डाइट का भी ध्यान रखना है, आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने हैं, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। तो पूरा फेस क्लीन कर लिया, उसके बाद में पानी की मदद से वॉश करके आई। और अब है हमारे नेक्स्ट स्टेप की बारी, जो कि है स्क्रब करेंगे हम लोग एक्सफोलिएट। तो ये चावल का आटा है और इसमें मैंने डाला है हमारा आलू का जूस, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स है आज का। आलू जो है उसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है ब्लीच करने की, और आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइटनिंग ब्राइटनिंग बना देता है, सारा सन टैन निकाल देता है। और चावल का आटा है वो भी आपकी स्किन को वाइटन अप ब्राइटन अप करता है, इतनी स्किन को ग्लो बना देता है, सारी डर्ट जो है फेस की उसको निकाल देता है, ब्लैक इट वाइट इट्स को रिमूव भी करता है। और चावल का आटा थोड़ी देर आप भिगो के रखें, उसके बाद यूज़ करें, ठीक है। और बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत रगड़ दे आपकी स्किन को, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत ठंडी का असर हो रहा है तो स्किन ड्राई होने लग रही है, ठीक है। आप चाहे तो इसके अंदर मलाई भी थोड़ी डाल सकते हैं या फिर हनी डाल सकते हैं। इसको 10 मिनट के लिए रख दीजिए, तब तक मैं मेरे हाथों पे भी कर लेती हूँ, बचा था तो मेरे हाथ भी सुंदर लगे नवरात्रि में, ठीक है। और आप चाहे तो पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी स्किन को इंस्टेंट वाइटन अप कर देगा आलू। और उसके बाद मैंने अपना फेस जो है पानी की मदद से वॉश कर लिया है, और हाथों को भी आप देख सकती हो इंस्टेंट, मतलब कितना फेस ग्लो आ रहा है। और अभी हमारी नेक्स्ट टाइम है क्रीम का, मतलब तो इसके लिए मैं एलोवेरा जेल और बादाम का तेल ले रही हूँ। ये आपकी स्किन को इतना खूबसूरत बना देगा, मतलब इतना मक्खन की तरह सॉफ्ट बना देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्रीम बन गई हमारी, जो कि मसाज क्रीम फेशियल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं ना, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप चाहे तो इसकी नाइट क्रीम भी बना के आप रोज़ रात को नाइट में भी आप इसको लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आपके फेस मसाज करें, गर्दन को भी मसाज दे और अपने कानों को भी मसाज दे। इसी तरह से आप मसाज करें और आपका फेस जो है ना, आप देखोगे फेशियल के बाद आप देखना फेस जो है इतना मतलब ग्लो करेगा ना, और सारी जो सन टैन है वो निकल जाएगा। आप पार्लर में भी जाओगे तो भी इतना आपका टाइम भी बचेगा,
और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी घर की ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बाज़ार से लेना है। हाँ, आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकती हैं, अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ आप एलोवेरा जेल की मदद से भी आप मसाज कर सकती हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से देखो, मैं अपने फेस को मसाज दे रही हूँ ताकि जो भी हमारा ब्लड है वो हमारे फेस के ऊपर सर्क्यूलेट हो जाए और हमारा फेस जो है अंदर से ग्लो करे, ठीक है। तो पूरा फेस और नेक, कान के आसपास, आपकी आंखों के आसपास, हर जगह मसाज देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद अब मैं निकाल रही हूँ वाइट हेड्स, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पता नहीं गाइस, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल अपनी स्किन का ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मेरे दो क्लास भी संभालने हैं, बेसिकली मैं योग टीचर हूँ, योग ट्रेनर, तो मैं, मेरा दो टाइम का क्लास रहता है और मैं पर्सनल भी करवाती हूँ, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, योग से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, तो उसके बाद में करेंगे, तो अभी हम फेशियल का टाइम है। तो उसके बाद देखो, सारे वाइट हेड्स मैंने निकाल लिए और फेस पे आप ग्लो देख सकते हो। और ये है हमारा लास्ट फेस मास्क, जो कि बेसन और आलू का जूस जो है उसको मैंने लिया है। अब इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, आपको कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि इंस्टेंट ड्राई हो जाएगा और आपकी स्किन को इतना बेहद मतलब ग्लो दे देगा ना कि आप करोगे ना तो आप खुद महसूस करोगे, मेरे बोलने से नहीं, एक बार आप ज़रूर खुद करके देखिएगा। आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और पार्लर से भी आपको 10 गुना ज़्यादा ये ग्लो देगा। तो आप देख सकते हो, पहले मेरी स्किन मैंने दिखाई थी और अब देखो आप, सारी गंदगी जो है इसने 15 से 20 मिनट में निकाल दी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जम के शेयर कर दीजिएगा, जिसको भी DIY फेशियल पसंद है। और आप भी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।